ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हमें संपूर्ण फरिश्ता बनना है, इसके लिए बहुत आवश्यक है निराकारी बनना, निर्विकारी बनना और निरहंकारी बनना। हम प्रैक्टिकल में शुरू करें निरहंकारी बनने से, अपने अंदर छुपे हुए अहंकार को पहचाने। गीता में 3 शब्द आए, घमंड, अभिमान और अहंकार। तीनों की अलग अलग व्याख्या कर दी गई। घमंड, बड़ा मगरूर जिस व्यक्ति में होता है, ये व्यक्ति बड़ा घमंडी है, किसी बात ही नहीं करता, वो स्वरूप अलग। अभिमान, भाई इसे अपने धन का अभिमान बहुत है, इसे अपनी बुद्धि का अभिमान बहुत है, इसे अपनी सुंदरता का अभिमान बहुत है। और तीसरा है अहंकार, जो बहुत सूक्ष्म है, जो मैंपन से जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म रूप से मनुष्य को रहता है, मैं बड़ा हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होना चाहिए। अहम, अहंकार, अपने को कार समझना, देहभान में रहना, ये अहंकार के अंतर्गत आता है। तो हमें घमंड भी छोड़ना है, अभिमान भी छोड़ना है और अहंकार से भी मुक्त होना है। हमें निराभिमानी बनना है, निरहंकारी बनना है। सोचें, भगवान जो सबसे बड़ा है लेकिन सबसे अधिक निरहंकारी, ब्रह्मा जो इस संसार में पहले नंबर की आत्मा, सबसे बड़ा, वो भी पहले नंबर का निरहंकारी, तो हम छोटों में अहंकार क्यों? हम भी अपने से बात करें। यदि हमारे पास बुद्धि है, बड़ी अच्छी बात है, हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें। उसका अहंकार होने से तो मान दो बुद्धि में आग लगती रहेगी और बुद्धि की शक्तियां नष्ट होती रहेंगी। हमारे पास यदि बहुत धन है तो धन का अभिमान क्यों? धन है, उसका सदुपयोग करें, परोपकार में लगाएं, अपने परिवार को भी सुखी करें, स्वयं को भी उससे सुखी करें, अच्छे कार्यों में उसका उपयोग करें, जन कल्याण करें उनसे। आपके पास सुंदरता है, उसका भी अभिमान क्यों? ठीक है, सुंदर तो देह है, मैं तो इससे अलग चैतन्य आत्मा हूँ, देह तो अलग है, सुंदर देह मिली है, ये मेरे अच्छे भाग्य की निशानी है, मैं इसको दिव्य गुणों से भरपूर करके और इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाऊं, मैं घर में बड़ा हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ही मालिक हूँ, ये तो छोटी सी बात है, कार्यों की जिम्मेदारी हमें मिली है, आज हम इंचार्ज हैं, कल कोई और था और कल कोई और होगा। इन सब बातों का भी अहंकार नहीं, हमें जो पद पोजीशन भी मिला है उसे हम दूसरों को सुख देने में लगाएं, तो वो पद हमारा अविनाशी बन जाएगा। इस सृष्टि चक्र में बार बार हमें श्रेष्ठ पद मिलेगा, क्योंकि अपने श्रेष्ठ पद को पाकर हम दूसरों की सेवा करेंगे, उनका कल्याण करेंगे। तो संकल्प करें, हमें अपने अहम को भी सूक्ष्म रूप में पहचान कर उससे सदा के लिए मुक्त हो जाना है, क्योंकि इसी से बुद्धि में दिव्यता आती है, इसी से जीवन तेजस्वी बनता है और इसी से हम अत्यधिक, अधिक से अधिक योग युक्त होने में सफल होते हैं। यही तो हमारा लक्ष्य है। अगर छोटी-छोटी चीजों का अभिमान हम रखेंगे तो बड़ी प्राप्तियों से तो वंचित ही रह जाएंगे, और ये छोटी-छोटी चीजें तो बहुत विनाशी हैं, ये सदा हमें सुख भी नहीं देती हैं। आज धन का सुख है, कल संभव है वो न रहे, लेकिन ईश्वरीय सुख, बड़ी प्राप्तियां, बड़ी स्थिति, सर्व शक्तियों की प्राप्ति, वरदानों की प्राप्ति परम सदगुरु से, इसको हम प्राप्त करना अपना ध्येय बनाएं, तो छोटे अभिमान को छोड़कर रूहानी रुहाव अपने अंदर धारण करें। और आज सारा दिन ये अभ्यास करेंगे, मैं महान आत्मा हूँ इस सृष्टि पर,
पूर्वज हूँ। मेरा जन्म ही दूसरों की पालना के लिए हुआ है, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है और बाबा से सकास लेकर बार बार सारे संसार में फैलाते रहें। पांच पांच सेकंड भी, दस दस सेकंड भी, इससे बहुत बड़ा पुण्य जमा होता रहेगा। ओम शांति।